शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक डॉक्टर राम धनी सहित अभियोजन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एसटी एससी एक्ट, महिला उत्पीड़न की घटना, फरार अभियुक्तों पर की गई कार्रवाई सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अपराधियों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। और 43 जो है वो एक्टिव है सर, ये उसमें हॉस्टेलिटी वाले जो है सर, कुछ जो है सर वो उसमें अपीलें जाएंगी सर, कुछ कंटेस्टेड भी छूटे हैं सर। हाँ सर, अब देखा सर जैसे हमारा है, अब हमारे यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुकदमे सर डिस्पोज हुए हैं, जिसमें 3 मार्च के हैं, 1 जून का है सर, और 1 जुलाई का, 1 अक्टूबर का है सर। तो 3, 4 जो है वो दूषित है, कनेक्टेड है, और तो एक्विटल है, एक्विटल में दोनों जो है वो हॉस्टेलिटी है। फिर नरेंद्र कुमार शुक्ला है सर, इनका 1 मुकदमा है सर, वो दूषित हुआ है। 302, 304 में 6 दोषित दिख रहा है, इसमें क्या सजा होगा? काम तो चल रहा, बहुत लोग छूट गए हैं अपराध। ये जो 7 साल के नीचे सजा वाला, सर आपका क्या डायरेक्शन है, जेल में क्या स्थिति है अभी? जो कितने 2000 लोग बड़ा खराब आ रही है, और वो बेल तो ठीक है, 7 साल के नीचे वाले के डिफॉल्ट तो मिली जा रहा है, वैसे तो हमारा कन्विक्शन रेट भी खराब है और दूसरा जेल भी भरी हुई है। अब इसी स्थिति पे क्या है, क्या अब तक वो हमारे व्यवस्था सर ये है कि जो मुझे जेल में है उसमें अगर गवाह करना पड़ा है तो जो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं होस्टेड की वो आ रहे हैं, अगर कंटेस्टेड है तो डिफेंस काउंसिल नहीं आ रहा है। उसमें एक बहुत मूर्खतापूर्वक बात है सर, कि बेल के स्टेज पर हम लोग अपोज कर रहे हैं,